वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस जेमिनाई। ये फिल्म 2017 की अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर है। इसकी लिखाई और डायरेक्शन का काम किया था एरन कर्च ने। फिल्म में अदाकारी की थी लोला करके और जोए क्रेविट्स ने। एक हॉलीवुड एक्ट्रेस का मर्डर हुआ है। शक की सुई उसके असिस्टेंट जिल पर है, पर उसने खून नहीं किया। ऐसे में उसे अपने आप को भी बचाना है और असली कातिल तक पहुंचना है, पर एंड में हमें कुछ और ही सच पता चलता है। अगर जिल असली कातिल तक पहुंच जाती है तो क्या वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगी, और क्या वो असली कातिल तक पहुंच भी पाएगी? इसी सवाल को ढूंढती है जेमिनाई। फिल्म को 2017 में साउथ वेस्ट में प्रीमियर किया गया था और उसके ठीक एक साल बाद इसे US में रिलीज किया गया था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है चलो उत्तराखंड, इसका लिंक नीचे दिया गया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉस एंजलिस में ये है जिल, जो कि पर्सनल असिस्टेंट है हीदर एंडरसन का। हीदर यहाँ की मूवी स्टार है, हॉलीवुड में उसका अच्छा खासा नाम है, पर कभी कभी वो बड़ी एरोगेंट हो जाती है। पर जिल है जो कि उसे मैनेज कर लेती है। वो जानती है कि स्टार के साथ ऐसा होता रहता है, उनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर होता है, ऐसे में कभी कभी उनका आपा होना लाजमी है। वो हमेशा उसे सपोर्ट करती है, इमोशनली भी। इस बात का हमेशा ख्याल रखती है कि हीदर को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और इस तरह वो सिर्फ उसकी असिस्टेंट ही नहीं बल्कि एक अच्छी खासी दोस्त भी है। पर आजकल हीदर ने अपनी अगली फिल्म के लिए मना कर दिया है और इसकी वजह से फिल्म से जुड़े बहुत सारे लोग अपसेट हैं। डेविन, जो कि इस फिल्म में उसका को स्टार है, उसने फ़ोन किया जिल को और कहा, जैसे ही हीदर मुझे मिलेगी मैं उसे मार दूंगा। पर हीदर को इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानती है कि उसके बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकती। फिल्म का डायरेक्टर ग्रेग भी हीदर से मिलना चाहता है, वो मिलकर उसे कन्विंस करना चाहता है फिल्म के लिए। उसने जिल के साथ साथ हीदर को भी बुलाया है रेस्टोरेंट में, यहाँ मिलकर उससे बातें करेगा और उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगा। पर हीदर है जो कि ग्रेग से मिलना नहीं चाहती, उसने जिल को भेज दिया उससे बातें करने के लिए और वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रही। जिल ने ग्रेग के सामने एक्सक्यूज दिया कि हीदर की तबीयत खराब है, वो यहाँ आ नहीं सकती। ग्रेग बड़ा गुस्सा हुआ, पर जिल ने उसे मना लिया और उसे प्रॉमिस किया कि वो जल्दी ही हीदर को इस फिल्म के लिए कन्विंस कर लेगी। इसके बाद ग्रेग यहाँ से चला गया। उसके जाते ही हीदर यहाँ पे पहुंची। उसने जिल को थैंक यू बोला ग्रेग से बचा लेने के लिए। अब दोनों मिलकर नाइट आउट के लिए प्लान कर रहे हैं। इतने में इनके पास एक लड़की का आना हुआ। उसने हीदर से कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इस लड़की का नाम सियरा है। उसने कहा, क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ? हीदर ने कहा, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। पर ये लड़की बड़ी ज़िद्दी है। उसकी ज़िद के आगे हीदर को झुकना ही पड़ा और इस तरह उसने अपनी फ़ोटो लेनी दी, और इस तरह दोनों ने एक साथ फ़ोटो ली। ये लड़की बिल्कुल हीदर की तरह दिखती है। इसके बाद सियरा ने इस पिक्चर को अपनी पिक्चर को सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया। जिल और हीदर यहाँ से चले गए, पर बाहर निकलते ही मीडिया इनके पीछे पड़ गया, इनसे सवाल करने लगा। हीदर ने एक भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इन रिपोर्टर्स में से एक है स्टैन, वो बड़ा ज़िद्दी है। वो हीदर का काफ़ी दूर तक पीछा करता रहा। वो हीदर की फ़ोटो खींचना चाहता है और इसके साथ ही उसका इंटरव्यू लेना चाहता है यहीं पर। हीदर ने इन सब से साफ इनकार किया। स्टैन नहीं रुका और उसने पूछना जारी रखा। उसने पूछा, आपका डेविन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है? हीदर ने कहा, हमारा ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद स्टैन ने ट्रेसी के बारे में पूछा और कहा, आपका ट्रेसी से रिश्ता कैसा चल रहा है? ये बात फैल चुकी है कि ट्रेसी का और हीदर का समलैंगिक रिश्ता है। हीदर ने इन सारी बातों से इनकार किया और जिल के साथ उसके अपार्टमेंट में चली गई। यहाँ हीदर ने उसे पूछा, तुम्हारे पास एक गन थी ना? जिल ने कहा, हाँ। हीदर ने इस गन की वजह पूछी। जिल ने कहा, मैं पहले अपने आप को इनसिक्योर फील करती थी, इसलिए मैंने वो गन रखी थी। हीदर ने कहा, क्या मैं तुम्हारी गन को बोरो कर सकती हूँ? जिल अपनी गन देने में थोड़ी डर रही थी, पर हीदर थी जो कि एडमिंट थी। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, ये गन मुझे दे दो, मैं इसका कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस अपने पास रखूँगी। पर जिल को बड़ा डर लग रहा है, वो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती है, वो किसी को भी मार सकती है इस गन से। पर हीदर के ज़िद के आगे वो झुक गई और फाइनली उसने ये गन बुलेट से लोड करके उसे दे ही दिया। इसके बाद दोनों पहुँचे नाइट क्लब। यहाँ उनकी मुलाकात हुई ट्रेसी से। दरअसल हीदर का ट्रेसी पर क्रश है और ट्रेसी भी उसे पसंद करती है। ट्रेसी ने कहा, मैं अगले दिन अपने केबिन में तुम्हारा वेट करूँगी। हीदर ने भी उससे मिलने का प्रॉमिस कर दिया। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद हीदर और जिल पहुँचे हीदर के महल। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए जिल ने डिसाइड किया कि वो पूरी रात यहीं पर रहेगी। इतने में हीदर ने देखा कि बाहर कोई मोशन लाइट है, पर जिल ने इन सब से इनकार कर दिया और कहा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जिल जब अगली सुबह उठी तब उसने गन को हीदर के पर्स में पाया। उसने सोचा, क्यों ना मैं गन को निकाल लूँ। निकालते वक्त गन उससे चल गई। आवाज़ सुनकर हीदर यहाँ दौड़ी हुई आई। जिल ने कहा, मैं चोरी से तुम्हारे पर्स से इस गन को निकाल रही थी और इसे छिपाने वाली थी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास रहे। पर इसके बाद जिल ने माफ़ी भी मांगी बिना उससे पूछे उसके पर्स में हाथ डालने के लिए और कहा, अगर तुम चाहो तो ये गन रख सकती हो। इसके बाद हीदर ने इस गन को रख लिया। अब जिल अपने घर की तरफ निकल चुकी है। आधे रास्ते में उसे याद आया कि ये गन हीदर के पास छोड़ना ठीक नहीं है। वो वापस लौट कर आई, पर जब वो लौट कर आई है तो उसने देखा कि हीदर मरी पड़ी है गन शॉट से,
और बगल में ही गन रखा हुआ है। हेदर ने कुछ कॉइन के कलेक्शन भी रखे थे, वो भी यहाँ नहीं है। इतने में पुलिस यहाँ पहुँच गई। इस केस को देख रहा डिटेक्टिव आहन, उसने जिल से कई सवाल किए। जिल इस समय बड़ी अपसेट है, एक तो हेदर मर गई है, ऊपर से उसकी मौत का सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर आने वाला है, जबकि वो कुछ भी नहीं जानती इस मर्डर के बारे में। उसने आहन के सारे सवालों का जवाब दिया और फिर यहाँ से चली गई। अब वो बैठी है बीच पर, वो इस केस की मेन सस्पेक्ट है। उसकी गन मिली है हेदर की बॉडी के बगल में, और साथ में उस गन पर सुबह जो उसने उंगली के निशान बनाए थे वो भी हैं। ऐसे में वो अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करे और कैसे असली कातिल तक पहुँचे। जिल आज मिली हेदर के कुछ एजेंट से और इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट आई। यहाँ उसने पाया कि कई सारे पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी उसके कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। वो समझ गई अगर वो इनके सामने गई तो वो अरेस्ट हो जाएगी। ऐसे में छुपते छुपाते यहाँ से भाग निकली। ऐसे में छुपते छुपाते यहाँ से भागने को ही थी कि डिटेक्टिव आहन ने उसे देख लिया। वो उसे पास के रेस्टोरेंट में ले गया और कहा, तो मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अदरवाइज तुम बहुत बड़ी ट्रबल में आ जाओगी। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं गन पर, शेल केसिंग पर भी, और तुम्हें सजा होगी। इतने में इन दोनों ने नोटिस किया कि कोई उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। ये स्टैन है जिसने कि अपना रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है। आहन ने उसे वॉर्न किया और कहा, तुम बिना किसी के कंसेंट से उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ये क्राइम है। वो स्टैन से बातें कर ही रहा था कि इतने में जिल यहाँ से भाग गई। इसके बाद जिल ने अपने हेयर को डाई कराया और पहुँची ग्रेग के पास। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुमने ही हेदर को मारा है, वो तुम्हारी फिल्म में काम नहीं कर रही थी, तुम्हारा नुकसान हो रहा था और इसीलिए तुमने उसे मार दिया। ग्रेग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं उसे क्यों मारूंगा और उसे मार के मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं अपनी मूवी किसी और स्टार के साथ भी बना सकता हूँ। इसके बाद वो अपने बैग पैक कर रहा है स्कॉटलैंड की ट्रिप के लिए। अब दोनों बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर हेदर को मारा किसने होगा, पर दोनों ही बड़े कन्फ्यूज हैं। इतने में बाहर पुलिस ने नॉक करना शुरू किया। ग्रेग ने गेट खोला ही था कि जिल यहाँ से भाग गई। हेदर पहुँची जेमी के पास। जेमी ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने हेदर को मारा है, जबकि जिल ने कहा, मुझे तुम पर शक है। पर बाद में दोनों इस बात पे कंफ्यूज हैं कि आखिर हेदर को मारा किसने होगा, वो कौन है जिसे उसे मारकर फ़ायदा होगा। जिल यहाँ से भी चली आई। अब उसे डेविन पर शक हो रहा है, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, हो सकता है उसने उसे मारा हो। जिल ने उसे ट्रैक डाउन करते हुए एक बार में पहुंची। डेविन ने उसे देख लिया और कहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने हेदर को मारा होगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। जिल ने उसे सवाल करते हुए पूछा, जिस सुबह हेदर का मर्डर हुआ उसकी एक रात पहले तुम कहाँ थे। डेविन ने उसे किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा, तुम कोई पुलिस वाली नहीं हो और मैं भला उसे क्यों मारूंगा। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से चला गया, पर गलती से वो अपनी टेबल पर होटल की चाबी छोड़ गया था। ये चाबी जिल के हाथ लगी, वो चाबी लिए पहुँचे होटल। छुपके से वो उसके कमरे में घुसी और यहाँ पर छानबीन करनी शुरू कर दी। इस समय इस कमरे में कोई नहीं था। उसने देखा कि वो कॉइन जिसका कलेक्शन हेदर ने रखा हुआ था उसमें से एक कॉइन यहाँ पड़ी हुई है, इसका मतलब डेविन ने ही मारा है हेदर को। इतने में डेविन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस रूम में आ गया। जिल ने अपने आप को छिपा लिया। उसने सुना कि डेविन कह रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से, कल जब पुलिस आए तो प्लीज़ तुम ये कहना कि मर्डर के एक रात पहले मैं तुम्हारे साथ था। उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा, मैं वाला झूठ क्यों बोलूं? उसने कहा, वैसे तो मैं अपने घर पे था, पर अगर मैं ये बोलूं तो मेरे पास कोई गवाह नहीं होगा, सो अगर तुम ये कहो कि मैं तुम्हारे साथ था तो मैं इजिली ये कह पाऊंगा कि मैं इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूं। इसके बाद दोनों बाथरूम में चले गए। जिल मौका पाकर इस कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने ट्रेसी को फ़ोन किया हेल्प के लिए। ट्रेसी वहाँ पर आई अपनी कार लिए। जिल ने कार में बैठते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि डेविन ही असली किलर है, मैंने वो कॉइन जो कि हेदर के घर से गायब हुई थी उसे पाया डेविन के होटल के कमरे में। ट्रेसी ने कहा, पर डेविन के पास अपना अलग कॉइन भी तो हो सकता है, ये कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। जिल इस बात से एग्री है और इसके बाद वो ट्रेसी के साथ उसके घर चली गई। रात को जब जिल उठी तब उसने पाया कि ट्रेसी यहाँ पर नहीं है। उसने कुछ आवाज़ें सुनी, वो सीढ़ियों से चढ़ते ऊपर गई तो उसने देखा कि ट्रेसी किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। उसने उसकी बातों को सुनने की कोशिश की। ट्रेसी ने कहा, अभी वो सो रही है, मैं कल उसे कैबिन में ला सकती हूँ, मैं बहुत जल्द उसे आपके पास लाऊंगी इससे पहले कि कुछ और हो। जिल को इस समय ट्रेसी पर ही डाउट हो रहा है, वो यहाँ से छुपते छुपाते निकलने की कोशिश कर रही है। वो पहुँची एक दूसरे कमरे में जहाँ पर कि एक विंडो है और इससे वो बाहर निकलने को है, और इस तरह वो इस घर से बाहर आ गई। उसने यहाँ पड़ी मोटरसाइकिल उठाई और पुलिस जो कि यहाँ पर पहुँच रही थी उसकी नज़रों से बचकर यहाँ से निकल आई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेसी पुलिस से बातें कर रही थी और उसी ने पुलिस को यहाँ पे इनवाइट किया है। जिल यहाँ मोटरसाइकिल से काफ़ी दूर निकल आई है। अब उसे पूरा भरोसा है कि अगर वो पुलिस के हाथों में आ गई तो अपने आप को इनोसेंट कभी भी प्रूव नहीं कर पाएगी। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर देखा कि वो लड़की सेरा जो कि उन्हें डिनर पर मिली थी उसका भी सेम जेमिनी टैटू है जैसे कि हेदर का था, और ये दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। इसका मतलब कुछ तो है जो कि जिल मिस कर रही है।
अगली सुबह जिल पहुंची अपनी कैबिन। यहाँ पर उसने देखा कि हीदर अच्छी खासी जिंदा है और सही सलामत है। जिल ने कहा, तुम जिंदा हो, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी, मेरी पूरी लाइफ एक मैस बन चुकी है और मैं ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी हूँ। हीदर ने उसे बहुत सारी बातें करने की कोशिश की, पर जिल थी जो कि नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। वो इतनी ज़्यादा गुस्सा थी कि उसने हीदर को एक पंच भी मारा, पर हीदर इस समय उसका गुस्सा समझ सकती है, इसलिए उसने उस पंच को खाया भी और शांत रही। बाद में हीदर ने कहा, मुझे माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ उसके लिए। जब तुम चली गई थी तब यहाँ पर सेहरा आई, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी और मैंने देखा कि उसका जेमिनी टैटू भी बिल्कुल मेरी तरह है। मुझे आइडिया है कि क्यों ना मैं उसको मार दूँ गन से और इस तरह प्रूव हो जाए कि मैं ही मरी हूँ और मैं उन सारे लोगों से जो कि मेरे पीछे पड़े हैं उनसे छुटकारा पा लूँगी। आई एम सॉरी, उस समय मेरे दिमाग में यही आइडिया आया, पर उसे मारने के बाद मैंने पुलिस के पास जाने की सोची, पर मैं डर गई थी और इस तरह मैंने अपने आप को इस कैबिन में छिपा लिया। जिल अभी भी बहुत गुस्सा थी, पर बाद में उसने हीदर को माफ़ कर दिया। इन सब बातों को कुछ दिन गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जिल हीदर को एक नए टीवी प्रोग्राम के इंटरव्यू के लिए तैयार कर रही है, जबकि डिटेक्टिव आहन का यहाँ पर आना हुआ। उसने कहा, अब वो केस बंद हो चुका है, हम इस केस में ज़्यादा एविडेंस जुटा नहीं पाए और ना ही हम किलर को पकड़ पाए और अब इस केस के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, ऐसे में इस केस को हमने बंद कर दिया है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इंटरव्यू देखने के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ? मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक स्टार इंटरव्यू कैसे देता है। हीदर ये सब नहीं चाहती थी, पर जिल ने कहा, ठीक है, अगर तुम इंटरव्यू देखना ही चाहते हो तो रुक जाओ। इसके बाद इंटरव्यू चालू हुआ और मूवी इसी पॉइंट पर समाप्त हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।